गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज तुम लोग को हम वृत्त के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा 16 सेंटीमीटर है। जीवा को केंद्र से दूरी क्या है ये बताना है। जैसे देखो, ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? वृत्त है। और ये क्या है? केंद्र है ना। वृत्त की त्रिज्या कहीं भी लकड़ी की जगह तो त्रिज्या हुआ ना जी, तो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। और एक जीवा है ना, जीवा कितना है? 16 सेंटीमीटर। इसको जीवा कहते हैं, ठीक है? जीवा कितना है? 16 सेंटीमीटर। ए बी बराबर, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है। जीवा हुआ 16 सेंटीमीटर। जीवा हुआ। और जो है त्रिज्या काटा है, त्रिज्या काटा जीवा के बीचों बीच काटा, त्रिज्या क्या होगा? सी, ठीक है। सी का क्या, यहाँ क्या है? ओ, ठीक है। केंद्र को ओ कहते हैं ना। आप देखो यहाँ से कितना सेंटीमीटर है जानते हैं? 16 सेंटीमीटर को बराबर बराबर दोनों सर ने काटा, कितना त्रिज्या काटा? तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, ठीक है? समझ रहा है? यस सर। अब देखो यहाँ से ये त्रिज्या हुआ, त्रिज्या कितना का है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है ना। अब आपको देखो कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण। ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज। यहाँ से यहाँ तक कितना है? सी बी। कितना है सी बी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और देखो ओ बी, ओ बी क्या है? त्रिज्या है ना। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? देखो केंद्र से दूरी क्या है इसका, जीवा को केंद्र से दूरी क्या है? ये जीवा, जीवा को केंद्र से दूरी क्या है ये निकालना है ना। तो हम क्या जानते हैं? समकोण त्रिभुज से इसको क्या कहते हैं? इसको देखो, एक त्रिभुज होता है तो इसको क्या कहते हैं? कर्ण, है ना। इसको क्या कहते हैं? आधार, आधार है ना। इसको क्या कहते हैं? लंब या ऊंचाई, क्या कहते हैं? लंब या ऊंचाई, ठीक है। अब देखो हमको अगर कर्ण जब पूछता है तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? इंटरकर लंब जोड़ आधार, है ना। लंब प्लस आधार, कर्ण स्क्वायर है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण, कर्ण में से क्या घट गया? स्क्वायर घट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, रूट अंडर हो जाएगा, है ना। लंब स्क्वायर प्लस रूट अंडर आधार स्क्वायर स्क्वायर। उसी प्रकार हमको अगर लंब निकालना है तो लंब निकालना है तो क्या करेंगे? देखो लंब अगर निकालना है, लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण से आधार घट जाएगा, ठीक है। यस। कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब देखो लंब बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर हट जाएगा। लंब बराबर यहाँ पर रूट अंदर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, है ना। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यस सर। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से, देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर नहीं जानते हैं। यस सर। लंब बराबर ओ क्या है? ओ सी, है ना। ओ सी बराबर
फुट अंतर है ना, गज का गज बराबर ओ बी है ना, ओ यस सर, ओ बी स्क्वायर है ना, माइनस आधार बराबर बोलो आधार बराबर, आधार बराबर आठ सर, सी 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 और सी ये भी आठ सेंटीमीटर, सी बी स्क्वायर। अब आगे नंबर पर ठीक है, बराबर रूट अंतर बोलो, ओ बी बराबर दस सेंटीमीटर, दस सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस आठ सेंटीमीटर है ना, सी बी बराबर आठ सेंटीमीटर, आठ सेंटीमीटर का स्क्वायर ठीक है। हाँ तो दस दाएं एक सौ, यहाँ पर क्या होगा एक सौ माइनस चौसठ, चौसठ इसमें रूट अंडर है ना, बराबर की हो जाएगा रूट अंडर में कितना हो जाएगा, एक सौ से चौसठ घट गया कितना हुआ छत्तीस, छत्तीस है ना। आप छत्तीस बराबर देखो रूट अंडर छ स्क्वायर होता है छत्तीस, यस सर, आइए स्क्वायर रूट कर देता है बराबर छ सेंटीमीटर ठीक है। ये मेरा हो गया ओ सी, ये इक्वल नाम है ना। अब देखो जीवा को केंद्र से दूरी क्या है, जीवा को केंद्र से दूरी क्या है छ सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर होगा यस सर, छ सेंटीमीटर।